नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरोजा स्टो में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में विकलांग बच्चे को जन्म देना कैसा होता है या सपने में विकलांग बच्चा पैदा होना कैसा होता है, शुभ संकेत होता है या फिर अशुभ संकेत, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मित्रों, इस प्रकार का सपना बहुत से लोगों को दिखाई देता है। कई लोग तो इस सपने को ऐसा सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये सपना मेरे कुछ काम का नहीं, क्योंकि मैं तो अविवाहित हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा सपना कैसे आ सकता है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि सपने में विकलांग बच्चे को जन्म देना या सपने में खुद को विकलांग बच्चा पैदा होते हुए देखना कैसा होता है। अगर आपको ये सपना आता है तो ये सपना आपके जीवन पर क्या असर डालता है, क्या इस तरह का सपना आपके लिए शुभ होता है, तो चलिए मित्रों डिलीवरी से जुड़े सपनों के बारे में जानते हैं। हम इस सपने के बारे में विस्तृत चर्चा करें। इससे पहले आपको बता दूं कि सपने का अर्थ आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में हैं, आप विवाहित हैं या फिर अविवाहित। इसके अलावा इस प्रकार के सपने कई बार पुरुषों को भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सपने में विकलांग बच्चे को जन्म देना या फिर सपने में विकलांग बच्चा होना कैसा होता है। अगर आप एक महिला हैं और सपने में आप देखती हैं कि आपने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके शरीर में कई सारे विकार हैं, वह शरीर से विकलांग है, तो इस सपने के बाद आपकी चिंता बढ़ जाती है और हम अपने आने वाले बच्चे के बारे में बुरे ख्यालों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम इस बात की चिंता में डूब जाते हैं कि अगर मेरा बच्चा ऐसा पैदा हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो आपको इस सपने के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सपना आपके लिए कोई अशुभ संकेत नहीं देता। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आप गर्भ धारण करने वाली हैं। अगर यही सपना किसी पुरुष को आता है तो उसके लिए भी शुभ संकेत देता है। उसके लिए सपना बताता है कि जल्द ही आपकी तरक्की होने वाली है। अगर आप ऐसी महिला हैं जिसके पहले से ही कई बच्चे हैं और आप बच्चे न होने वाला ऑपरेशन भी करा चुकी हैं, उस दौरान सपने में आप देखती हैं कि आपने एक लड़की या फिर लड़के को जन्म दिया है जो शारीरिक रूप से विकलांग है या बीमार है, तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपके पति की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होने वाली है, तो ये सपना भी आपके लिए शुभ संकेत देता है। अब बात करते हैं सपने में प्रीमेच्योर बेबी को जन्म देना या फिर सपने में अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देना कैसा होता है। आप सपने में देखते हैं कि आप पेट से हैं और आपको पांचवा या सातवां महीना लग चुका है, आपको 9 महीने होने से पहले ही एक बच्चा हो जाता है जो बच्चा पूर्ण रूप से अविकसित है, वो पका हुआ नहीं है, यानी वो बच्चा अर्ध परिपक्व है जिसके सिर पर बाल भी नहीं है, तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत नहीं देता। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपको अपने ही कारण बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप एक साथ कई काम शुरू करेंगे लेकिन आप एक भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपको लाखों रुपयों का नुकसान होगा। आपको जो लाभ मिलना था आप उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार ये सपना मेहनत बेकार होने का भी संकेत देता है। अब जानते हैं सपने में दानव बच्चे को जन्म देना या फिर सपने में खुद को दानव जैसा बच्चा पैदा होना। दोस्तों,
सभी सपने में से ये सबसे ज़्यादा डरावना सपना है। अगर कोई महिला पेट से है एक बच्चे को जन्म देते हुए देखती है, जब वह अपने बेबी को देखती है तो वह आम बच्चों से अलग दिखाई देता है। देखने में वह एकदम दुर्लभ होता है। आप देखते हैं कि वह पैदा होते ही चलने लग जाता है और उसके मुंह में दांत भी होते हैं। तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत नहीं देता। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आप एक डरपोक इंसान हैं। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने से डरते हैं। आपको जब भी कोई नया काम करेंगे या फिर जब भी आपको कोई नया चैलेंज दिया जाता है तो आप उस चैलेंज को बिना जाने ही छोड़ देते हैं। आप उस चैलेंज से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसके अलावा ये सपना इस बात का भी संकेत देता है कि आने वाले समय में जो आपके पास धन था वो भी ख़त्म होने वाले हैं। अगर सपने में शैतानी बच्चा आपको काट लेता है तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। अब बात करते हैं सपने में जन्म लेते ही बच्चे को हंसते देखना। दोस्तों, अगर आप सपने में बच्चे को जन्म लेते ही रोते हुए देखते हैं तो इस सपने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है। अगर आप सपने में बच्चे को जन्म देती हैं, जन्म देते ही बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है तो ये सपना देखने में बहुत डरावना लगता है, क्योंकि जन्म लेते ही कोई बच्चा हंसता नहीं है बल्कि रोता है। जन्म लेते ही हंसने वाला बच्चा दानव प्रकृति का होता है, क्योंकि वह आपकी बर्बादी शुरू होने की खुशी में हंसता है। लेकिन बात करें सपने की तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको धन लाभ होने वाला है। आप पर मां लक्ष्मी का हाथ आशीर्वाद के रूप में बना रहेगा, जिसके चलते आने वाले दिनों में आप खूब पैसा कमाएंगे। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आप बहुत अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि सपने में विकलांग बच्चे को जन्म देना कैसा होता है या सपने में विकलांग बच्चा पैदा होना कैसा होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।